ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें दो मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी हो लगाएगा। उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। मुंबई शहर में ड्रग्स के नशे के कारण हर रोज जुवान की मौत हो रही है। ज्वेनिल बच्चों की स्टोरी पर होगा फोकस। क्या सुधार ग्रह का रहन सहन दिखाया जाएगा? किसे लटकाया जाएगा फांसी पर? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। वैसे तो बॉलीवुड में कई तरह की फिल्में बनती हैं, लेकिन जहां इतनी ज्यादा फिल्में आए दिन रिलीज होती हैं, उन सब के बाद भी हम इन सभी फिल्मों में सिर्फ कुछ चुनिंदा फिल्में याद रखते हैं। अभी आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ फिल्में एंटरटेन भी करती हैं और सोशल मैसेज भी देती हैं। एक ऐसी ही फिल्म है जिसका नाम है मास्टर, जिसका हम जल्द ही रीमेक देखने वाले हैं में। इस फिल्म के लीड रोल में हमें नजर आएंगे सलमान खान। मास्टर की कहानी में हमें सोसाइटी का दूसरा साइड दिखेगा, जहां हम सब देखेंगे देश में होने वाले इलीगल क्राइम्स और उनके मास्टरमाइंड्स को। कहानी की शुरुआत होगी फिल्म के मास्टर यानी सलमान खान से, जो फिल्म में एक नशेड़ी के तौर पर दिखेंगे और दारू पी के अपने सोफे पे सो रहे होंगे। वहीं उनके कुछ स्टूडेंट्स उन्हें कॉलेज ले जाने के लिए उनके घर आएंगे, जहां अपने प्रोफेसर को उठाने के लिए किया होगा उन्होंने कुछ अलग ही इंतजाम। पूरे ढोल नगाड़े के साथ वो अपने प्रोफेसर को जगाते हैं। वही मास्टर तैयार होने के बाद अपनी पाली हुई बिल्ली को दूध देते हैं और कहते हैं कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तब तक घर में जो तोड़ फोड़ करनी है तुम कर सकती हो। मास्टर एक जिंदा दिल इंसान होता है, वहीं उससे दुनिया के रूल्स और रेगुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी और उसकी बढ़ती पॉपुलरिटी को रोकने के लिए उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है जुवेनाइल सेंटर, जहां आज तक कोई भी मास्टर टिक नहीं पाया है। जुवेनाइल सेंटर का इंट्रोडक्शन भी कुछ इसी तरीके से दिया जाता है, जहां हमें उनकी रहने वाली जगह, उनके साथ होने वाले बर्ताव और जेल में होने वाले क्राइम्स को भी दिखाया जाएगा। मास्टर का ट्रांसफर होते ही वो अपनी बिल्ली के साथ वहाँ के एक क्वार्टर में पहुँचते हैं और फिर स्टूडेंट्स की क्लास लेने निकल जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ हर उम्र के बच्चे हैं और सारे ही बच्चे कोई पढ़ाई नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते तो मैं भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, तुम क्लास में आने का अपना काम करो और मैं भी हर रोज खुद की अटेंडेंस लगाने का काम करके चुपचाप बैठा रहूंगा, हम दोनों ही अपने अपने काम करके खुश रहेंगे। लेकिन इन सभी स्टूडेंट्स में एक स्टूडेंट मास्टर को कुछ बताना चाहता है, वही वो चुपके से जाते हैं और जेल में होने वाले क्राइम्स के बारे में उनको बताता है, लेकिन उस बच्चे की ये बात कोई और सुन लेता है। वही मास्टर के कान में हेडफोन्स लगाए होते हैं, जिससे उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो सबसे अनजान होता है। अगले दिन जब मास्टर क्लास में आता है तो उस लड़के को फांसी पर लटका हुआ पाता है, जिसके बाद उन्हें एक जोरदार झटका मिलता है। आखिर क्या होगा उस लड़के के साथ? क्या मास्टर पता लगा पाएंगे जेल में चल रहे क्राइम्स के बारे में? क्या है आपके थॉट्स इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए आप करिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। हम मिलेंगे आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।